बेबो मैं बेबो, दिल मेरा ले लो, दिल देने। Hey friends, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ। आशा करती हूँ कि आप भी बिल्कुल मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और अपने घर में विंटर्स इंजॉय कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बेबो स्टॉक्स। और फ्रेंड, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एलोवेरा जेल से बनने वाला एक बहुत अच्छा, बहुत नेचुरल फेस इंग्रेडिएंट, जो आपके फेस पर लगने के बाद आपको काफ़ी अच्छा ग्लो देगा, आपके फेस को क्लीन करेगा, आपके फेस को डीप क्लींस करेगा और आपके फेस को एक यंग लुक देगा। और फ्रेंड्स और आपके फेस पर होने वाले कील मुहासों से आपको छुटकारा दिलाएगा, आपके फेस को ग्लो देगा, आपके फेस की स्किन टोन को 1 से 2 स्किन टोन आपकी लाइट करेगा। और फ्रेंड्स, इससे होने वाले बहुत अच्छे फ़ायदे हैं, क्योंकि इसमें मुश्किल से 2 से 3 इंग्रेडिएंट मिक्स हैं जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देने वाले हैं। और फ्रेंड्स, आपसे एक निवेदन है कि आप ये होम रेमेडीज़ रेगुलर बेसिस पे यूज़ करें और इसके आप फ़ायदे देखें। फ्रेंड्स, आपको आने वाले लंबे समय तक इसके बहुत अच्छे फ़ायदे मिलेंगे और आपको हो सकता है कि पूरी की पूरी सर्दियाँ आपको कोई क्रीम वगैरह, कोई मॉइस्चराइज़र इसे लगाने के बाद यूज़ करने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं ये हमारी सिंपल सी होम रेमेडी, जो कि फ्रेंड्स मैं भी अपने फेस पर रोज़ ही अप्लाई करती हूँ, उसके बाद मैं आपको सजेस्ट करती हूँ करने के लिए। और फ्रेंड्स, अगर आपको इनमें से किसी भी इंग्रेडिएंट से एलर्जी है तो आप उसे स्किप कर दें, बाकी के इंग्रेडिएंट्स आपके लिए हैं। जैसे कि नींबू कुछ लोगों को एलर्जिक करता है, तो फ्रेंड्स आप नींबू स्किप कर दें। मेरी इस रेसिपी में, इस होम रेमेडी में नींबू भी है, तो फ्रेंड्स अगर आपको नींबू सूट नहीं करता है तो आप इसे स्किप कर दें। तो फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट इंग्रेडिएंट है जो कि एलोवेरा जेल है। फ्रेंड्स, ये फ्रेश एलोवेरा जेल मैंने एलोवेरा प्लांट से निकाला है। अगर आपके पास एलोवेरा जेल ट्यूब का है या फिर कोई भी मार्केट का एलोवेरा जेल है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। कोशिश करिए कि आप अपने घर में एलोवेरा प्लांट को उगा लें, क्योंकि सभी बेसिक होम रेमेडीज़ में एलोवेरा प्लांट चाहिए ही होता है। और फ्रेंड्स, ये मैंने कुछ 4 से 5 नींबू की बूंदें ली हैं। और फ्रेंड्स, और मैंने ये लगभग 1 चम्मच हनी लिया है। फ्रेंड्स, आप अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। फ्रेंड्स, ये सारे इंग्रेडिएंट बिल्कुल सेफ और बिल्कुल सुरक्षित हैं और इनके कोई भी हार्मफुल इफ़ेक्ट नहीं है, क्योंकि ये सब कुछ हमारी अपने खुद के घर से लिए गए सामान हैं जो कि हमारे घर में होते हैं। ये ज़्यादातर चीज़ें, ये बेसिक चीज़ें हैं, सबके ही घरों में होती हैं। और फ्रेंड्स, ये है 2 चम्मच कच्चा दूध। फ्रेंड्स, कच्चा दूध के आप जितने फ़ायदे मैं बताऊँ आपको, उतने फ़ायदे कम हैं। फ्रेंड्स, कच्चा दूध हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। फ्रेंड्स, कच्चे दूध में लैक्टिक एसिड पाया जाता है, इसे अगर आप रात को भी लगा लें तो आपकी डैमेज स्किन इतनी जादुई और इतनी चमत्कारी रिजल्ट्स के साथ हील करेगी फ्रेंड्स कुछ ही दिन में, कि आप देखते के देखते रह जाएंगे। फ्रेंड्स, कच्चा दूध हमारे ड्राई स्किन के लिए भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। और फ्रेंड्स, कच्चे दूध से स्किन की सफाई होती है, हमारे जो पोर्स होते हैं उस वो क्लीन हो जाते हैं, हमारे स्किन से डर्ट, मैल, पॉल्यूशन वगैरह सब क्लीन हो जाता है। और फ्रेंड्स, कच्चा दूध हमारी टैनिंग, सन टैन जो होता है उसे भी रिमूव करता है। कच्चा दूध और जायफल आप अगर रात को लगाकर सो जाएं और उसके बाद फ्रेंड्स आप देखेंगे कि आपके कील मुहासे, फुंसी फोड़े जो भी हैं वो कुछ ही दिनों में बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे और फ्रेंड्स आपको दे जाएगा ये बहुत अच्छा सा ग्लो। तो फ्रेंड्स, कोशिश करें कि आप कच्चा दूध चाहे तो ऐसे भी लगा सकते हैं, कच्चे दूध के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। और फ्रेंड्स, हनी हमारे लिए एंटीबैक्टीरियल होता है, हनी में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं और फ्रेंड्स एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं जो कि हमारे मुहासों को ठीक करता है। हनी में नेचुरल मॉइस्चराइज़र होता है और जो हमारे स्किन के पीएच को बैलेंस करके रखता है। और फ्रेंड्स, एलोवेरा की तो जितने गुणगान किए जाए इतने कम है, सबका राजा है एलोवेरा जेल। फ्रेंड्स, एलोवेरा जेल में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अगर आप एलोवेरा जेल को अपने कटे, जिस तरह से कभी कभी कट जाता है, उसमें लगा लेंगे तो आपको उसमें भी बहुत फ़ायदा देगा। और फ्रेंड्स,
एलोवेरा जेल में एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हमारे फेस पे आने वाली रिंकल्स फाइन लाइंस को भी टाइम से आने वाले रिंकल्स को और हमारे एजिंग साइंस को भी रोक देती है और उसको हील कर देती है। और फ्रेंड्स, एलोवेरा जेल में स्किन लाइटनिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हमारे स्कार्स और स्किन ब्लीमिशेस को भी ठीक करती है, हमारे एक्ने को ठीक करती है और हमारे सन से होने वाली टैनिंग को भी हमारे को ठीक करती है और हमारे स्किन को बिल्कुल ड्राई नहीं होने देती और मॉइस्चराइज रखती है। से नेचुरल से दिखने वाला क्लींजर तैयार हो गया है फ्रेंड्स। इसे लगाने से पहले आप अपना फेस वॉश कर लें और या तो आप कॉटन बॉल की हेल्प से और या फिर अपने फिंगर्स को डिप करके अपने फेस पर मसाज करें। 15 मिनट्स बाद आप अपने नॉर्मल वाटर से अपना फेस वॉश कर दें। सो फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो कैसे लगी, लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। टाटा बाय।